और अगर तीर्थ प्यार लग जाएगा तो बड़ा सौभाग्य है गंगा जी का, और नहाने वालों को बड़ा ये कई जानवर मछलियाँ इत्यादि सब मर जाते गंगा में, जलचर जो है वो रहते नहीं बस उसी जल के कारण, और तीर्थ में लग जाएगा तो उससे बड़ी बहुत बड़ी शांति मिलेगी आत्मा को भी और जो नहाने वाले भक्तों को भी बड़ा आराम मिलेगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नाव नगर पालिका परिषद के माध्यम से जो नाला गंगा नदी में गिरता था जिसको कि ECDA कहा जाता था, उस नाले का पानी गंगा नदी में गिरकर उसको जो है प्रदूषित कर रहा था, तो उस नाले इस योजना के अंतर्गत उस नाले को हम लोग टैप करके और उस नाले का पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से शोधित करके उसको फिर पुनः जो है या तो खेती हेतु या फिर पुनः गंगा नदी में गिराएंगे शोधित पानी। और इसके अंतर्गत कई सारे कार्य कराए जाएंगे, नाले को टैप करना, STP प्लांट का बनाना और नाले को पुनः ले जाके गंगा नदी मिला देना। उन्नाव में माँ गंगा का पानी नहीं है आचमन के लायक। NGT की इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और उन्नाव में 166 करोड़ का ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। मुंबई की एक कार्यदायी संस्था दिसंबर से इस ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू भी करा देगी। अभी तक गंगा नदी में फैक्ट्रियों से निकलते हुए बड़े बड़े नाले और गंगा घाट का सीवरेज का पानी गिर रहा था, जिसके कारण माँ गंगा पूरी तरह मैली हो चुकी। अब ऐसे में लोगों को इंतजार है उस दिन का जिस दिन यह ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार होगा और एक बार फिर माँ गंगा अविरल और निर्मल होंगी। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ETV भारत।